इसमें नए रखवाने रहे। ठीक है, अब आज से जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है वेब डेवलपमेंट इन जेंगो। ठीक है, अच्छा जेंगो है क्या? सॉरी स्पेलिंग गलत लिखी हुई। ठीक है, अच्छा अब जेंगो है क्या? इसको जेंगो भी कहा जाता है, इसको डी जेंगो भी कहा जाता है, इस तरीके से मुख्तलिफ नाम इसको दिए जाते हैं। अच्छा अब है क्या, पहले इसको समझ लेते हैं कि डी जेंगो या जेंगो इज़ यूज फॉर वेबसाइट डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट। इट इज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ पाइथन विच इज़ यूज वाइडली इन वेब डेवलपमेंट। अच्छा आप नॉर्मली अगर हम बात करते हैं कि पाइथन, हमने कोर पाइथन पढ़ी, ठीक है, इंटर पढ़ा, अब इस तरीके से इसी का एक फ्रेमवर्क है किसका, पाइथन का, जो कि कहलाता है जेंगो। और ये इसका स्पेशल जो इसका जो पर्पज़ है वो सिर्फ डेवलपमेंट में आता है। कौन कौन सी डेवलपमेंट है? वेबसाइट डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट। अब फ्रेमवर्क इज सेट ऑफ रूल्स, ये आपको पता ही है, पहले पढ़ा चुका हूँ कि कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज होती हैं। ठीक है, तो फ्रेमवर्क जो है वो पाइथन की जितनी लाइब्रेरी, मतलब पाइथन प्रोग्रामिंग का जो कलेक्शन है वो यहाँ पर एज अ फ्रेमवर्क काम करेगा, और इस फ्रेमवर्क का नाम यहाँ पर क्या होगा? जेंगो। अच्छा अब इस तरीके से आगे बढ़ जाए तो जेंगो है क्या? जेंगो एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है। ठीक है, क्योंकि पाइथन भी एक क्या है? ओपन सोर्स है। इसके अलावा जो एक समझने वाली चीज़ है वो क्या है, अभी तक जो आपने चीज़ पढ़ी थी उसमें डॉट नेट एमवीसी पढ़ी। ठीक है, अब इस तरीके से जो पाइथन है, जो जेंगो है, वो क्या है? वो एमवीटी है। एमवीटी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? मॉडल व्यू टेम्पलेट। ठीक है, इट इज़ यूज्ड, इट इज़ द मोस्ट यूज्ड पाइथन फ्रेमवर्क। ठीक है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है, इसके अलावा फ्लास्क वगैरह भी होते हैं, और इसको आप मुख्तलिफ अंदाज से इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम प्रैक्टिकली सम करेंगे इंशाल्लाह तो समझ में आ जाएगा। अच्छा, व्हाट इज द मॉडल इन जेंगो? अब मॉडल क्या होता है? जहाँ से आप डेटा पिक कर रहे होते हैं, ये पुराना वाला ही कॉन्सेप्ट है एमवीसी वाला। क्या कि द मॉडल इज गोइंग टू एक्ट एज द इंटरफेस ऑफ योर डेटा, मतलब वहां पे जहाँ पे आपका डेटा दिख सकता हो। अच्छा अब उसके बाद व्हाट इज द व्यू इन जेंगो? द व्यू इज अ यूजर इंटरफेस। ये वही चीज आ रही है बिल्कुल, कि जो भी रिकॉर्ड मॉडल से उठ के आ रहा होगा वो सारा का सारा व्यू में डिस्प्ले हो रहा होगा। इट इज द डेटा डेटा यूजर्स सीज व्हेन अ यूजर रेंडर अ वेबसाइट, जब हम इसको रन करेंगे। उसके बाद टेम्पलेट क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टैटिक पार्ट्स ऑफ द एचटीएमएल आउटपुट। ठीक है, मतलब ये कि जो आपको एक नॉर्मली टेम्पलेट जो होता है एचटीएमएल के अंदर, ये वही काम कर रहा है। एंड सम स्पेशल पार्ट डिस्क्राइब हाउ द डायनामिक कॉन्टेंट इज इंसर्टेड इन द प्रोग्राम, मतलब कि यहाँ पर आप किसी भी डायनामिक डेटा को भी किस तरीके से एड करवा सकते हैं। तो ये किसका काम होगा यहाँ पर? ये जो है वो टेम्पलेट का काम होगा। अच्छा अब जब जेंगो आपने इंस्टॉल करना है तो उससे पहले पहले आपको कुछ और चीज़ें इंस्टॉल करनी होती हैं। उसमें क्या? उसमें आपको पहले पाइथन इंस्टॉल करनी होगी। पाइथन कहाँ से मिलेगी आपको? तो इस तरीके से आप लिखिए यहाँ पर पाइथन, आप पाइथन यहाँ पे आप आइए इस जगह पे, और इसको आप यहाँ से इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लें। ठीक है, तो डाउनलोड पे क्लिक करें, यहाँ से आपको इसको वो लेटेस्ट वर्जन लाकर दे देगा। वर्जन आ रहा है, अब इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, डाउनलोड हो गया। उसके बाद क्या करना है? अब इसको ओपन करें, इसको इंस्टॉल करते हैं। यहाँ से आप क्या करें, इसको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दें। अच्छा, जो पहले का वर्जन था उसमें आपको अलग अलग करके चेक करके फिर इंस्टॉल करना पड़ता था। ठीक है, अभी ये है कि आपके पास जो ये लेटेस्ट वर्जन है इसमें हर चीज उन्होंने पहले से ही इंस्टॉल करवा दी है, आपको अलग से चेक बॉक्स पर टिक लगा के जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये डायरेक्टली जाके इसकी मेन डायरेक्टरी में स्टोर हो जाता है। अच्छा अब जैसे पहले की अगर मैं बात करूं तो पहले जो जो चीज़ इंस्टॉल करनी, चले तो जब ये इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे? आप अगर यहाँ पे सी एम डी ओपन करेंगे और सी एम डी लिखने के बाद सिंपल ये चेक करना है कि क्या पाइथन इंस्टॉल हुआ है। तो पाइथन इंस्टॉल करने के लिए आप क्या लिखेंगे? सिंपल यहाँ पे पाइथन लिखें, एंटर करें। तो यहाँ पर अगर पाइथन इंस्टॉल हुआ हुआ होगा तो आपको ये इस जगह पे इसका जो करंट वर्जन है वो प्रोवाइड करवा देगा। अच्छा, इसके बाद इसके साथ साथ क्या कर लें, जाके यहाँ पे सर्च करें इस जगह पे कि जो चीज़ हमें डाउनलोड करनी है इसके बाद। तो पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे सी एम डी पे आके इस जगह पे क्या करते हैं, पहले मैं एग्जिट की कमांड इस जगह पे चलाता हूँ। ठीक है, इसको मैंने बंद कर दिया यहाँ से, और एक चीज़ मैं यहाँ पे और कर देता हूँ कि मैं पिप को इस जगह पे अगर ये डायरेक्टली रिमूव करता है तो इसको मैं यहाँ पर फ्रीज कर देता हूँ। ठीक है, पिप को रीड नहीं कर रहा अभी, इसका मतलब है कि पाइथन सही से प्रॉपरली हुआ नहीं, के ऊपर नहीं, वो बस डायरेक्टली डायरेक्टरी सेव नहीं हुई हुई थी, वो हो गया। अब खैर क्या करना है, अब डायरेक्टली अभी फिलहाल मैं चल रहा हूँ जेंगो के ऊपर कि जेंगो इंस्टॉल कैसे होगा। तो पहला टॉपिक ये भी यही है कि मेन चीज़ ये होती है कि वो ये प्रॉपरली इंस्टॉल हो जाए। अगर एक बार जेंगो और पाइथन सही से इंस्टॉल हो गई तो फिर आगे वो मसला नहीं करती। ठीक है,
वरना ये आए दिन, मतलब आए दिन क्या, ये डेली बेसिस के ऊपर आपको प्रोजेक्ट में अक्सर और बेशतर मसला करेगी। तो खैर सिंपल, आप यहाँ पे क्या लिखें, जेंगो लिखें, आपको ये ले जाएगा इसके फ्रेमवर्क के ऊपर जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ से आप, और इसके अलावा भी जगहों से मिल जाता है लेकिन कीजिएगा नहीं, सिर्फ इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएँ। और यहाँ जो इसके जितने भी वर्जनस हैं, आपको जो लेटेस्ट वर्जन मिलेगा आप उसको ऑटोमेटिकली यहीं से ही आपको डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा एक और बात, इसकी डॉक्यूमेंटेशन को भी पढ़ लीजिएगा कि ये किस तरीके से काम करता है, इसमें समझने की चीज़ें बहुत सी होती हैं। अच्छा आपने करना है क्या है कि जो भी आपके पास लाइब्रेरीज होंगी या जो भी आपके पास फीचर्स होंगे वो सब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। अच्छा करना क्या होगा यहाँ पर कि इसको आप यहाँ से क्लिक करके डाउनलोडिंग पे लगा दें, ठीक है। और इसके अलावा जब यहाँ पर आप अभी लगाते हैं, इसके अलावा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ये कमांड है ना, हर चीज़ आपको ये प्रॉपरली मिल रही होगी। कैसे करेंगे आप, तो ये देखें यहाँ पे इस जगह पे लिखा हुआ रहा है पिप इंस्टॉल जेंगो। तो आप अच्छा देखें बाय डिफॉल्ट पहले ये चला के देख लें, अगर नहीं चलता है तो फिर वर्जन के साथ चलाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर आइए और इस जगह पे आकर जहाँ पर हमने ये लिखा था उस जगह पे आप क्या करें, यहाँ पर इसको एंटर कर दें, ठीक है। तो अब जब ये देखें यहाँ पर ये कलेक्टिंग शुरू हो गई, ये प्रॉपरली अब डाउनलोड कर देगा, ये सारे पैकेजेस यहाँ पर इसको इंस्टॉल करेगा, अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही डाउनलोडिंग करेगा, ठीक है। तो और अगर ये प्रॉपरली हो जाता है तो फिर हम आगे देखते हैं इसको। इसको क्लोज कर दें यहाँ से, दोबारा ओपन करें कमांड प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे आप क्या करें, अब इस जगह पे पिप दोबारा फ्रीज करें। अब देखें यहाँ पर वो आपको कुछ वर्जन्स देगा, देखें आ गया। अब यहाँ पे इसने क्या किया, आपको इस जगह पे बता दिया कि जो जेंगो का वर्जन है वो कौन सा है, ठीक है। तो ये आपको वही लेटेस्ट वर्जन ही प्रोवाइड करेगा जो हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे, ठीक है। तो अब अलग से करें या फिर वहां से करें, देखिए हो गया प्रॉपरली। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे चेक करने के लिए आया ताकि यहाँ से प्रॉपरली वर्जन वेरीफाई हो जाए। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास जगह पे के पाइथन प्लस जेंगो प्लस पिप यहाँ पर प्रॉपरली आपको इंस्टॉल होकर मिल गया।